हमें दिख रही है, लेकिन केजे श्रीवास्तव सवाल अब यह है कि अब इस मुद्दे पर क्या रणनीति बनाएगी गहलोत सरकार। जी देखिए, गहलोत सरकार का यही कहना है कि पार्टी का ये पूरा इंटरनल मैटर है, पार्टी अपनी तरीके से निपटाएगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या बर्खास्त किए गए मंत्री राजेंद्र गुड़ा को पार्टी अनुशासनहीनता का नोटिस भी देगी, क्योंकि ये वही राजेंद्र गुड़ा है जो बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर 2018 में विधानसभा चुनाव लड़ा था। जब साल 2020 में अशोक गहलोत सरकार पर राजनीतिक संकट आया था तो पूरे के पूरे अपने 5 सदस्यों के साथ, यानी 5 जो साथी विधायक थे उनके साथ बीएसपी से कांग्रेस में मर्ज कर लिया, सरकार बचाने में बड़ी भूमिका रही। तो क्या यहीं तक इस सजा को इनका रखा जाता है या पार्टी आगे भी राजेंद्र गुड़ा के खिलाफ एक्शन लेती है, इस पर सबकी निगाहें रहेगी। और सोमवार को एक बार फिर से राजस्थान विधानसभा का की कार्रवाई शुरू होगी, आखिरी एक दिन है सोमवार का, उसके बाद विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट जाना है। तो सोमवार को राजेंद्र गुड़ा विधानसभा के अंदर और बाहर क्या इसी मुद्दे को फिर से उठाकर सरकार को घेरते हैं, या मामला सरकार भी रफा दफा करने के मूड में अब नजर आती है, तो इन सब चीजों पर निगाहें रहेगी। लेकिन इतना तो है कि राजस्थान की राजनीति में अब यह मुद्दा सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा भी बन गया है। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का।